हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगुले। तो दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर जो बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूँ या फिर डीएलएड फर्स्ट ईयर या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स की जो थर्ड ईयर की बात करूँ, तो दोस्तों इनको यहाँ पर जो इंटर्नशिप का जो यहाँ पर इंटर्नशिप फिल करने के लिए आपको जो मौका मिलेगा वो कब मिलेगा, यानी स्कूल की कब फिल कर पाएंगे, तो दोस्तों उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो अपडेट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में कहना चाहूँगा, चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो आखिरकार आपकी जो इंटर्नशिप के लिए स्कूल फिल होंगे वो कब होंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बता दूँ। तो दोस्तों आपको पता होगा, अभी यहाँ पर मान के चले 6 तक को जो सेकेंड ईयर के हैं उनको यहाँ पर अलॉट होगी। बात करते हैं यहाँ पर आपके कुछ ही दिन बचेंगे, 10 दिन बचेंगे, लेकिन दोस्तों जल्दी यहाँ पर स्कूल्स की छुट्टियाँ आने वाली है। तो स्कूल की छुट्टियाँ लगभग आपके 1.5 मंथ की होने वाली है, तो आप मान के चलिए मई से आपके 16-17 मई से आपकी छुट्टियाँ चलेगी। मई और जून तक आपकी यहाँ पर 23 जून तक आपका जो एग्जाम है वो छुट्टियाँ चलेगी, स्कूल की छुट्टियाँ चलेगी, ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ चलेगी। साथ में बात करते हैं आपकी रहेगी 1 मंथ की यहाँ पर जो इंटर्नशिप है, 1 मंथ की रहेगी, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपकी जो इंटर्नशिप है वो जहाँ तक है 99% आपकी जो जुलाई में की जाएगी, जुलाई में आपको मिलेगी इंटर्नशिप करने को मौका दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि जुलाई में आपके स्कूल स्टार्ट तो हो जाएगी, आपको मिल भी जाएगी, तो क्या यहाँ पर स्कूल चॉइस ये फिल करने का मौका क्या जुलाई में दिया जाएगा या फिर पहले भी दिया जा सकता है? तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जो जुलाई में ना करके जून के मंथ में आपको स्कूल फिल करने का मौका दिया जाए, कि आपका मान लीजिए जून में आपको स्कूल फिल करने का मौका दिया जाए और जुलाई में जैसे स्टार्ट होती है आपको स्कूल अलॉट हो जाए और उस टाइम पे आपको स्कूल के लिए भेज दिया जाए इंटर्नशिप के लिए। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रही है कि अभी आप पर छुट्टियाँ चलेगी तो आपकी जो जून में है वो जून में आपको दे दिया जाएगा और जुलाई में आपको जो स्कूल है वो अलॉट हो जाएगी और जुलाई में आप इंटर्नशिप कर पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन आ रही है, 99% यही रहने वाला है, 1% हो सकता है कि अभी भी आप मान लीजिए कि जो मई में है, मई में भी 6 तारीख बाद में आपका 1% कहना चाहूँगा, 1% अभी भी ऐसा चांसेस है कि जो मई में एग्जाम यहाँ पर जो इंटर्नशिप के लिए जो सेकंड ईयर को यहाँ पर मान लीजिए उनको स्कूल अलॉट हो जाए और उसके बाद में आपका शेड्यूल जारी करके आपके भी फॉर्म फिल स्कूल चॉइस फिल करवा ली जाए और आपको भी स्कूल अलॉट कर दी जाए, हो सकता है। लेकिन दोस्तों छुट्टियां आने की वजह से आपका, क्योंकि मेन चीज़ ये है इनको जो सेकंड ईयर वालों को उनको पहले, यानी 10 दिन, अभी 10 दिन बचे हैं लेकिन उनको पहले देने का मतलब ये है कि उनका क्या है टाइमिंग, उनका 4 महीने का यहाँ पर रहने वाला है, 96 डेज उनको इंटर्नशिप करना होता है, इसलिए उनको दिया जा रहा है आपको 1 महीने का। तो हो सकता है कि जुलाई में भी आपको करवा लिया जाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जुलाई में भी आपको करवाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपको जो यहाँ पर है वो जुलाई में किया जाएगा, इंटर्नशिप है वो आपको जुलाई में करवाई जाएगी, स्कूल भी जुलाई में अलॉट हो जाएंगे और उस टाइम पे आपको जुलाई में इंटर्नशिप करवा ली जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। आई होप आपको जो वीडियो मिला है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव यहाँ पर मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मिली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।